यूपी में आम चुनाव का सातवां चरण दो नेताओं की जुबानी जंग ने दिलचस्प बना दिया है। दोनों के बीच छिड़ी लड़ाई से पूर्वांचल के चुनावी रण में जहां शहमात के खेल की शुरुआत हो गई, वहीं एक दूसरे को अपने दांव से चित करने के लिए सियासी बिसात पर मोहरे बिछाने और चालें चली जाने लगी हैं। इससे दोनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है और सभी की निगाहें इनकी सियासी लड़ाई पर टिक गई हैं। आपको बता दें कि ये जुबानी जंग कुंडा के निर्दलीय विधायक राजा भैया और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल के बीच छिड़ गई है, जो भाषणों से शुरू होकर सियासी रण पर पहुंच गई है। पांचवें चरण के चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बयान से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें राजा भैया पर अनुप्रिया ने करारा हमला बोला। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कौशाम्बी प्रतापगढ़ की रैली के मंच से कहा कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है, अब राजा रानी के पेट से नहीं ईवीएम के बटन से पैदा होता है। पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मिर्जापुर से एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के इस वार पर राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी राजा भैया ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने जवाब में कहा, ईवीएम से राजा नहीं जनसेवक जन्म लेता है और उसकी आयु केवल 5 साल की होती है। 5 वर्ष बाद जनता तय करती है कि उसको दोबारा से जन्म देना है या नहीं, जिसके बाद से दोनों के बीच जुबानी जंग का सिलसिला अब चुनावी बन गया है और राजा भैया ने अब मिर्जापुर के रण में अनुप्रिया पटेल को मात देने की ठान ली है। देखिए, रजवाड़े तो 7-8 दशक हुए समाप्त हो गए और 7-8 दशक के लगभग से भारत में लोकतंत्र है। अब उनको क्या कुंठा है हम नहीं समझ पाए इस चीज को। और वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहां से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। दूसरी बात, ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन ये तय करती है कि इसको जीवन दान, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन देना है या नहीं। अगर बात मिर्जापुर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की करें तो यहां सबसे अधिक अनुप्रिया पटेल की कुर्मी बिरादरी के मतदाता हैं। मिर्जापुर में कुर्मी वोटर्स की कुल संख्या करीब 3 लाख है, वहीं 2.5 लाख दलित और 2 लाख मुस्लिम वोटर हैं। सपा उम्मीदवार रमेश बिंद की बिरादरी के 1.5 लाख और बसपा प्रत्याशी मनीष तिवारी के ब्राह्मण समाज के भी 1.5 लाख ही मतदाता हैं। इनके अलावा 1.25 लाख मौर्य, करीब 1.25 लाख कोल और 1-1 लाख राजपूत और यादव बिरादरी के मतदाता हैं। दरअसल मिर्जापुर सीट पर पिछले 1 दशक से अनुप्रिया पटेल कुर्मी, कोल, राजपूत और मौर्य मतदाताओं के दम पर काबिज हैं और साल 2014 से लगातार 2 बार मिर्जापुर का चुनावी रण जीत चुकी हैं। तीसरी बार भी अपने इसी समीकरण के सहारे मिर्जापुर के चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। लेकिन राजा भैया से सियासी अदावत की शुरुआत के बाद माहौल में बदलाव की बयार इस बार बह सकती है, क्योंकि राजा भैया पर आए अनुप्रिया पटेल के बयान को दूसरे राजपूत नेता और बिरादरियां भी अच्छा नहीं मान रहे। ऐसे में उनका ये बयान फिलहाल के सियासी माहौल से उनके खिलाफ जाता दिख रहा है। जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी की बात कौशाम्बी में चली है, उसकी हवा मिर्जापुर में भी बह सकती है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन के रमेश बिंद को राजा भैया और उनके समर्थकों का साथ अगर मिल जाता है तो अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर में जीत की हैट्रिक लगाना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।